खबर अंबिकापुर के सरगुजा जिले की है, जहां हसदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में कोयला खदान के लिए 2 दिन से पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके विरोध में सरगुजा भाजपा के कार्यकर्ता उदयपुर स्थित हसदेव अभ्यारण्य पहुंचकर इसका विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी उन्हें मनाते हुए नजर आए, लेकिन जंगल काटने का विरोध भाजपा के कार्यकर्ता करते रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह ने क्षेत्र विधायक टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंहदेव पेड़ काटने पर गोली खाने की बात करते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पेड़ नहीं कटने की केवल बोली बोलते हैं। आज जब पेड़ कट रहे हैं तो गोली और बोली दोनों गायब है। अनुराग सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार आदिवासियों की विरोधी है, जिसके कारण उनके जंगल उनके निवास को छीन रही है। कंट्रोवर्सी थी और उसको लेकर विवाद लगातार जारी था और वहां पर लोग आंदोलित थे। वो 2 दिन से लगातार कटाई चल रही है, दिन रात वहां पर 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, बलपूर्वक ये कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो 5वीं अनुसूची है और यहां जो पेशा कानून है उसका सरासर उल्लंघन है और यहां के ट्राइबल समाज को बेघर करने की छत्तीसगढ़ सरकार की साजिश है।